अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिली मटन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ हम कुकर में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें दालचीनी का टुकड़ा और हरी इलायची, बड़ी इलायची, दो लौंग लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से क्रैकन होने दीजिए। फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसे गोल्डन फ्राई होने तक तलना है। इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने दीजिए। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हुए हैं। और अब इसी में हम मटन डाल देंगे। यहाँ हमने 1/2 किलो मटन लिया हुआ है, तो अब हम इसमें मटन एक एक करके डाल देते हैं और इसे अच्छे से 4-5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसे कंटिन्यू भूनें। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हम 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे टमाटर और अदरक लहसुन को। गोश्त के साथ हमें अच्छे से भूनना है। और अब इसमें हम 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर जाएगा 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और काली मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 चम्मच, और ये हरी मिर्ची मैंने ली 4, इसे भी डाल देंगे। और इन सबको मिला के हमें अच्छे से भुनना है 3-4 मिनट तक। ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर से दिखने लगा है, ये बिल्कुल परफेक्ट भुना है। आप मटन को जितना भुनें उतना ही ज़्यादा ये अच्छा और टेस्टी बनता है। और इसमें हम 1 छोटा कप पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें भुना मटन बनाना है, तो हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। अब इसे हम ढक्कन से कवर कर देंगे और 2 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। फिर इसे हम 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ जो है हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए मटन अच्छे से गल चुका है, इसकी बोटी भी देखिए परफेक्ट गल चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी बोटी गली है। और अब हम यहाँ शिमला मिर्च लेंगे। ये मैंने 1/2 भर शिमला मिर्च लिया हुआ है और इसे हम मटन में डाल देंगे। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देते हैं और फिर इसे ढक्कन से कवर करके बस 1 सीटी आने तक आपको पकाना है। सिर्फ 1 सीटी लगाना है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है। और आपका चिली मटन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा लाजवाब बनता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी घर में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।